हेलो एवरीवन, शैला जी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ भी यार पंचायत बर्मा यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल से जो रिक्रूटमेंट वैकेंसीज निकल के आई हुई है प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसके बारे में फुल डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। तो फिर चलिए चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट में। जैसे कि देख सकते हैं ये कुछ भी यार पंचायत बर्मा यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। नोटिफिकेशन पाने के लिए आप सभी को करना क्या है, आप सभी को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। करने के बाद में यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन दिया गया रिक्रूटमेंट का, आप सभी को इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। करने के बाद नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके का ओपन हो जाएगा, देन स्क्रॉल डाउन कीजिए, देन यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ओके, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आप सभी को इस एडवर्टाइजमेंट का जो ऑप्शन है इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। करने के बाद में इसका जो PDF है ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं कुछ भी यार पंचायत बर्मा यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल इंडिया, ये नोटिफिकेशन अपडेट किया गया 23/12/2022 को, यानी कि 23 दिसंबर 2022 को। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन आर इनवाइटेड इन ऑनलाइन मोड फॉर द फॉलोइंग टीचिंग पोस्ट। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट पर कितनी वैकेंसीज निकल के आई हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं सीरियल नंबर दिया गया है, देन सब्जेक्ट, देन यहाँ पर प्रोफेसर के लिए वैकेंसीज दिया गया है, देन एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, देन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसीज दिया गया है, और कैटेगरी वाइज भी डिवाइड कर दिया गया है। आप सभी वैकेंसी डिटेल्स चेकआउट कर लीजिएगा, मैं सिर्फ सब्जेक्ट यानी कि डिपार्टमेंट ही मेंशन करूँगा। ओके, नंबर वन पर देख सकते हैं इंग्लिश के लिए वैकेंसीज निकल के आई हुई है, देन संस्कृत, देन जूलॉजी, देन हिंदी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, लॉ, एडुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एंड फिलोसफी। टोटल 13 डिपार्टमेंट है वैकेंसीज निकल के आई हुई है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है, एबिलिटी टू रीड राइट एंड स्पीक इन बंगाली एंड इंग्लिश इज एन एसेंशियल क्वालिफिकेशन। ओके, फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन एज पर UGC रेगुलेशन एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर्स। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी क्या रखा गया है। ओके, उससे पहले पे लेवल चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एंट्री पे अगर आप सभी का सिलेक्शन हो जाता है तो आप सभी का सैलरी कितना बन के आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 57,700 लेवल 10 के अकॉर्डिंग। ओके, एलिजिबिलिटी मैं आप सभी को बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं मास्टर्स डिग्री होना चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में। ओके, रिलेवेंट सब्जेक्ट में 55% मार्क्स होना चाहिए मास्टर्स डिग्री में। इसके अलावा आपके पास UGC या फिर CSIR नेट या फिर स्लेट या फिर सेट होना चाहिए, तो ही आप सभी इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। ओके, अगर आपके पास में PhD डिग्री भी है तो भी आप सभी इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट एसोसिएट प्रोफेसर के लिए चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पे लेवल रहेगा 1,31,400 लेवल 13A के अकॉर्डिंग। ओके, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपसे ये बता देता हूँ, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, PhD डिग्री होना चाहिए। ओके, रिलेवेंट सब्जेक्ट में। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं इसके अलावा मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, मास्टर्स डिग्री 55% मार्क्स होना चाहिए, नेक्स्ट 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, टीचिंग एक्सपीरियंस या फिर रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए, देन मिनिमम 7 रिसर्च पब्लिकेशंस होना चाहिए UGC लिस्टेड जर्नल्स में। ओके, तो ही वो सभी कैंडिडेट्स एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रोफेसर के लिए चेकआउट कर लेते हैं, या पे लेवल देख लेते हैं 1,44,200 लेवल 14 के अकॉर्डिंग। ओके, मिनिमम एलिजिबिलिटी चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास PhD डिग्री होना चाहिए। ओके, रिलेवेंट डिसिप्लिन में, इसके अलावा 10 रिसर्च पब्लिकेशंस होना चाहिए UGC लिस्टेड जर्नल्स में। ओके, इसके अलावा आपके पास 10 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, तो ही आप सभी इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। नेक्स्ट एज लिमिट मैं आपसे बता देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं द अपर एज लिमिट इज 40, यानी कि 40 साल तक के कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। ओके, और आप सभी को रिलैक्सेशन भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा अगर आप सभी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। ओके,
नेक्स्ट यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिया गया है. ओके यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट विल हैव टू अप्लाई सेपरेटली फॉर ईच पोस्ट. आप सभी एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आप सभी को सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा और सेपरेट एप्लीकेशन फ़ी भी पेमेंट करना पड़ेगा. ओके नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप सभी कहीं पे जॉब करते हो गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट या फिर ऑटोनोमस बॉडीज में, तो आप सभी को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा. ओके नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस विदाउट सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स, एप्लीकेशंस विदाउट द रिक्विजाइट फीस आर लायबल टू बी रिजेक्टेड. ओके यानी कि इनकम्प्लीट एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा और इनकम्प्लीट सर्टिफिकेट अगर आप सभी अटैच करते हो सेल्फ अटेस्टेड तो वो भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा. इसके अलावा अगर आप सभी एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट नहीं करते हो तो भी आप सभी का एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा. ओके मैं आप सभी को बता देता हूँ ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के बाद में आप सभी को उसका हार्ड कॉपी भी सेंड करना है. ओके यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन कर दिया गया है द हार्ड कॉपी ऑफ ड्यूली फिल्ड अप फॉर्म विथ ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड द एकेडमिक और रिसर्च कोर्स शीट इज टू बी सबमिटेड. ओके यानी कि फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंटआउट आप सभी को निकालना है. ओके और जितना भी डॉक्यूमेंट्स है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है सेल्फ अटेस्टेड करके. ओके और यहाँ पे देख सकते हैं एकेडमिक और रिसर्च कोर्स शीट भी आप सभी को फिलअप करना है और कहाँ कहाँ से ये डाउनलोड करना है वो भी मैं आप सभी को बता दूंगा. ओके देन आप सभी को सेंड कर देना है कौन से एड्रेस में, यहाँ पे देख सकते हैं टू द रजिस्टर कूचबिहार पंचानन वर्मा यूनिवर्सिटी पंचानन नगर विवेकानंद स्ट्रीट कूचबिहार 736101 वेस्ट बंगाल. इस एड्रेस पे आप सभी को सेंड कर देना है बाई 22/01/2023 यानी कि 22 जनवरी 2023 तक. ओके थ्रू रजिस्टर और स्पीड पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट, स्पीड पोस्ट के थ्रू से आप सभी को सेंड करना है. ओके नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट्स मस्ट राइट एडवर्टाइजमेंट नंबर एंड नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर. आप सभी को एडवर्टाइजमेंट नंबर एंड पोस्ट का नेम भी मेंशन करना है एनवेलप में. ओके यहाँ पे देख सकते हैं ऑन द टॉप ऑफ द एनवेलप फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी कि तीनों पोस्ट के लिए ही आप सभी को ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है और बाय पोस्ट भी आप सभी को हार्ड कॉपी सेंड करना है. ओके थ्रू रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट के थ्रू से. नेक्स्ट एप्लीकेशन फी चेकआउट कर लेते हैं. यहाँ पे देख सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों के लिए ही जनरल कैटेगरी से अगर आपसे बिलोंग करते हो तो 1500 यानी कि 1500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी आप सभी को पेमेंट करना है. अगर आपसे रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 1000 यानी कि 1000 रुपये आप सभी को पेमेंट करना पड़ेगा. ओके नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस विल बी कंटिन्यू ऑन एंड फ्रॉम 02/01/2023 टू 17/01/2023 यानी कि 2 जनवरी 2023 से लेकर 17 जनवरी 2023 तक आप सभी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे. ओके और जो हार्ड कॉपी सेंड करने का लास्ट डेट है वो है 22/01/2023 यानी कि 22 जनवरी 2023. ओके तो पूरा डिटेल्स मैंने आप, अगर आप सभी और भी जानना चाहते हो तो वीडियो पॉज करके अच्छी तरीके से और भी डिटेल्स वगैरह चेकआउट कर सकते हो. ओके नेक्स्ट मैं आपसे को बता देता हूँ स्कोर शीट आपसे को कहाँ से डाउनलोड करना है. आपसे को बैक ऑप्शन पे चले आना है, देन यहाँ पे देख सकते हैं एकेडमिक और रिसर्च स्कोर शीट का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया, इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है. करने के बाद में इसका भी PDF ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा, जैसे कि देख सकते हैं ये भी फिलअप करके आप सभी को एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में अटैच करना है. ओके यहाँ पे देख सकते हैं मैं आपसे को पूरा फॉर्म दिखा देता हूँ. ओके इसके प्रिंट आउट निकाल के आप सभी को एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में अटैच करना है. तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही है. अगर फर्दर कोई भी न्यू नोटिफिकेशन अपडेट होती है इसकी रिगार्डिंग तो मैं आप सभी को अवेयर कर दूंगा. अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लग कर दीजिएगा और अगर कोई भी क्वायरी हो तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दीजिएगा. और इसी तरीके का हायर एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस अगर पाना चाहते हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन पे सेट कर दीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियोस अगर अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए. तो फिर चलिए आज के लिए बस इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद.